वीडियो में हम ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बात करेंगे। कुल 7 पॉइंट्स के माध्यम से हम इस एक्ट के ऑब्जेक्ट को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप लिखोगे, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू डिफाइन, रेगुलेट एंड अमेंड। क्या बातें हैं? तीन बातें हैं, डिफाइन करना, रेगुलेट करना और अमेंड करना। इसे आप DRA इन शॉर्ट लिख सकते हो याद करने के लिए। टू DRA द लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। टू डिफाइन, टू रेगुलेट एंड टू अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। अब कह रहे कंसोलिडेशन इज नॉट इट्स ऑब्जेक्ट सो स्कोप इज लिमिटेड। अब देखो, जब आप अदर एक्ट को पढ़ते हो तो आप तीन वर्ड्स, चार वर्ड्स आपको वहां देखने को मिलता है। जब आप पर्पस को पढ़ते हो तो डिफाइन, रेगुलेट, अमेंड एंड कंसोलिडेट। कंसोलिडेशन का मतलब होता है उस लॉ से रिलेटेड जितने अदर लॉज हैं उन सब को एक साथ लेकर के आना, उसे हम कहते हैं कंसोलिडेशन। लेकिन TPA का ऑब्जेक्ट क्या है? कंसोलिडेशन नहीं है, यानी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड अगर अदर लॉज हैं तो उन्हें हमें नहीं लाना है इस TPA में, केवल उन लॉज को लाना है, उन लॉज को अमेंड करना है। जो लॉज क्या है? विच आर रिलेटेड विथ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। ठीक है, तो कंसोलिडेशन इज नॉट इट्स ऑब्जेक्ट, इसलिए इसका स्कोप क्या है? लिमिटेड। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है इट्स प्रोविजन डज नॉट एप्लीकेबल ऑन मुस्लिम लॉ। इसके जो प्रोविजन हैं वो मुस्लिम लॉ में एप्लीकेबल नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कह रहा है कि अगर मुस्लिम लॉ में कोई प्रोविजन दिया हुआ है वो TPA के प्रोविजन से क्लैश कर रहा है तो वहां पे मुस्लिम लॉ के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे एंड TPA के प्रोविजन वहां पे नहीं अप्लाई होंगे। एग्जाम्पल, अगर हम सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करें तो ये जो सेक्शन है वो डील करता है गिफ्ट्स एंड इट्स रिलेटेड प्रोविजन से। ठीक है, कि जो गिफ्ट्स हैं वो कैसे गिफ्ट्स, हाउ गिफ्ट्स, हाउ मेड, हाउ गिफ्ट्स विल बी ट्रांसफर्ड, तो इन सभी प्रोविजन से रिलेटेड है सेक्शन 129 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब अगर मुस्लिम लॉ में गिफ्ट से रिलेटेड कोई प्रोविजन दिया हुआ है तो वहां पे मुस्लिम लॉ के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, ना कि TPA के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। क्लियर। तीसरा क्या है? एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन राइट्स एंड इंसिडेंट्स। देखो, जो TPA है वो सभी तरह के प्रॉपर्टीज को नहीं इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा इंसिडेंट का मतलब क्या है। देखो, इंसिडेंट का मतलब है जब एक पर्सन अपने किसी प्रॉपर्टी को दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करता है लेकिन उसके साथ वो सभी राइट्स को नहीं ट्रांसफर करता है, कुछ राइट्स को वो अपने पास रख लेता है, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट। एग्जाम्पल, मान लो मिस्टर ए ने अपने प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को दिया और उसके साथ उसे ये जिम्मेदारी दे दी कि इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आएगा उस रेंट को तुम कलेक्ट करोगे, इसे हम कहते हैं इंसिडेंट। यानी मिस्टर ए ने बी को प्रॉपर्टी तो दिया लेकिन उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड सभी राइट्स नहीं दिया, कुछ ही राइट्स बी को दिया, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट। तो जो TPA के प्रोविजंस हैं वो सभी टाइप्स के प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल नहीं होते हैं। क्लियर। ओके, चौथा क्या है? एक्ट नॉट एग्जॉस्टिव और कंप्लीट। ये जो एक्ट है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इट इज नॉट कंप्लीट इन इटसेल्फ, क्योंकि ये सभी तरह के प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को नहीं इंक्लूड करता है। इट डज नॉट इंक्लूड ऑल द डायमेंशंस ऑफ ट्रांसफर्स ऑफ प्रॉपर्टीज।
जैसे कि अभी हमने इंसिडेंट वाला बात किया, ठीक है। और क्या है, और पांचवा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ कोर्ट इज एक्सक्लूडेड। हमने देखा था कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है वो दो तरीकों से हो सकता है, बाय एक्ट ऑफ पार्टीज और दूसरा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय एक्ट ऑफ कोर्ट। तो इसका पर्पज क्या है, इसका पर्पज है केवल जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहे हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको अमेंड करना। तो ये ऑपरेशन ऑफ लॉज के जो प्रोविजंस हैं, कोर्ट कैसे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेगा उनसे रिलेटेड प्रोविजंस ये नहीं इंक्लूड करता है। इट एक्सक्लूड्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग हाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी विल बी मेड बाय कोर्ट्स। क्लियर। फिर सिक्स पॉइंट क्या है, फोकस्ड मेनली ऑन ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये मोस्टली फोकस करता है कि कैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होगा। हालांकि इसके कुछ प्रोविजंस कैसे मूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा उससे भी रिलेटेड है, लेकिन ज्यादातर प्रोविजंस क्या है इसके, दे आर रिलेटेड विथ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। और सातवां क्या है, बेस्ड ऑन इक्विटी एंड गुड कंसाइंस। देखो अगर किसी प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से रिलेटेड कोई स्पेशल लॉज बना हुआ है, इफ एनी स्पेशल लॉज हैव बीन मेड, तो उस स्पेशल लॉज में जो प्रोविजंस होंगे वो अप्लाई होंगे, ना कि टीपीए के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, ठीक है। तो ये कहता है इफ एनी स्पेशल लॉ हैव बीन मेड देन देयर प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल, नॉट ऑफ टीपीए प्रोविजंस विल बी एप्लीकेबल। तो ये था ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप कि ऑब्जेक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्राइट फ्यूचर।